हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बायजियम भट्टा। आपने भट्टा इस शब्द का नाम सुना होगा। हम अक्सर जब टेनिस क्रिकेट खेलते हैं तो लोग बात करते हैं क्या भट्टा डाल रहा है, आप राउंड द विकेट आइए या ओवर द विकेट आइए, बॉलिंग हाथ घुमा कर डालिए। बट इस भट्टा शब्द का प्रयोग खुद किया है विराट कोहली ने। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जा रहा है, वहां पर दूसरे दिन जब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, यशस्वी जायसवाल होते हैं स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर होते हैं विराट कोहली। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट बॉल डाल रहे होते हैं और वहां पर विराट कोहली स्टंप माइक में बोलते हुए नजर आते हैं, ये तो भट्टा डाल रहा है। लेकिन गनीमत यह है कि विराट कोहली ने अभी तक इसकी शिकायत अंपायर से नहीं की है। लेकिन अगर हम क्रेग ब्रेथवेट की हिस्ट्री पर भी नजर डालें तो 2019 और 21 पर उन पर प्रतिबंध, एक दो बार उनका जो एक्शन है वो संदिग्ध पाया गया है, लेकिन जब वो आईसीसी को अपना परीक्षण देने गए तो वहां पर सही पाया गया, इसीलिए उन्हें बॉल के लिए मनाही नहीं हुई और वो लगातार बॉल डाल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की गलतियां बार बार होंगी तो आईसीसी उन पर एक्शन ले सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्या तीसरे दिन वो गेंदबाजी करने आते हैं, और अगर वो गेंदबाजी करने तीसरे दिन भी आते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या विराट कोहली उनकी शिकायत करेंगे अगर वो भट्टा डालेंगे या फिर नहीं अंपायर से करेंगे। और अगर वेस्ट इंडीज की हम बात की जाए तो कप्तान क्योंकि क्रेग ब्रेथवेट है, वो खुद को मिलाकर सभी गेंदबाजों से लगभग की गेंदबाजी करवा चुके हैं, जहां पर सिर्फ दो खिलाड़ियों को अगर हम छोड़ दें, एक उनके कीपर और एक शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे टी चंद्रपाल को छोड़ दें तो उनके सभी खिलाड़ियों ने गेंदबाजी कर ली है और कोई भी विकेट लेने में सफल नहीं रहा है। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रेग ब्रेथवेट हो या कोई हो, अगर दो विकेट मिले हैं उन्हें तो एक अली कखानदे को मिला है और एक विकेट और भैया मिले हैं जो कि एक ओपनर थे, डेब्यू कर रहे थे, उन्हें विकेट मिला है। बाकी गेंदबाज किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाए हैं इस मैच में वेस्ट इंडीज के। तो आप बताइए क्या लगता है, क्या विराट कोहली इनकी शिकायत करने वाले हैं तीसरे दिन अंपायर से या फिर नहीं?